हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हो किसान भाइयों। उम्मीद करता हूँ सभी किसान भाइयों बहुत बहुत ठीक होंगे। तो किसान भाइयों, आपके लिए लेके आए हम चना की एक ऐसी वैरायटी जिससे आप अच्छी पैदावार ले सकते हो। तो किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। तो किसान भाइयों, बात कर लेते हैं इस वैरायटी की कुछ विशेषताओं के बारे में। तो किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं ये सूखे क्षेत्र में भी अच्छी उपज दे सकती है हमें। इसकी औसत पैदावार किसान भाइयों, हमें बता दूँ आपको कि 25 से लेकर 30 क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से हमें मिल जाती है। ये देश के मध्यम इलाकों में जैसे में नमी कम उपलब्ध वाले स्थानों पर भी बोई जा सकती है। किसान भाइयों, करीबन इसकी हर एक फसल से मतलब 91.1 फीसदी अधिक पैदावार मिलती है। और ये किस्म हमें 110 से लेकर 120 दिन के बीच में तैयार हो जाती है। और किसान भाइयों, इस किस्म की बीजों की बात करें तो 100 बीजों का वजन लगभग हमें 22 से 23 ग्राम के बीच में होता है। ये किस्म फोरिया बिल्टा स्टॉक रोग के प्रतिरोधक मानी जाती है। ये किस्म मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्रों में भी अच्छा उपयुक्त है। तो किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं इस वैरायटी किस्म का नाम क्या है। तो इसका नाम है पूसा चिपकी 10216। ये वैरायटी का नाम है किसान भाइयों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।